भाइयों और बहनों, देश को एहसास है कि इस फैसले की आड़ में अस्थिरता और अविश्वास फैलाने की तमाम कोशिशें सरहद के पार से हो रही है। जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़काने की भरपूर कोशिशें हो रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के युवा साथी, वहां की माताएं बहनें हिंसा के इस लंबे दौर से बाहर निकलने के लिए अब मन बना चुके हैं। वो विकास चाहते हैं, रोजगार के नए अवसर चाहते हैं। आपका ये सेवक, आपकी ये सरकार, आप सब लोगों के साथ को लेकर के जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के लोगों के साथ मिलकर विकास का नया युग शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख नई संभावनाओं को गले लगा रहा है, लेकिन मैं हैरान हूं कि विपक्ष के हमारे साथी इसमें भी राजनीतिक स्वार्थ ढूंढ रहे हैं। इतना बड़ा फैसला देश ने लिया है, ये ठीक से लागू हो पाए और कम से कम परेशानी के साथ लागू हो पाए, इसके लिए पूरा देश एकजुट है कि नहीं है? पूरा देश एकजुट है कि नहीं है? हिंदुस्तान के हर कोने में लोग एकजुट है कि नहीं है? गांव का भी इंसान साथ है कि नहीं है? पढ़ा लिखा भी साथ है कि नहीं है? अनपढ़ व्यक्ति भी साथ है कि नहीं है? बड़े बुजुर्ग भी साथ है कि नहीं है? नौजवान भी साथ है कि नहीं है? लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस के, एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं को जिस तरह का बर्ताव और सहयोग करना चाहिए था वो दिख नहीं रहा है। विपक्ष के नाते वो सरकार की आलोचना करे, मेरी आलोचना करे, देवेंद्र जी की आलोचना करे, ये उनका अधिकार है, लेकिन राष्ट्रहित में ऐसी बातें करना जो आतंक परस्तों के लिए अपप्रचार का हथियार बन जाए, विदेशों में उनके बयानों के आधार पर भारत पर हमला हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। साथियों, कांग्रेस की कंफ्यूजन ये तो मुझे समझ आती है, लेकिन शरद पवार, आप जैसा अनुभवी नेता जब कुछ वोट के लिए गलत बयानी करने लगे तब बहुत दुख होता है। शरद पवार जी को पड़ोसी देश अच्छा लगता है, ये उनकी मर्जी। वहां के शासक प्रशासक उनको कल्याणकारी लगते हैं, ये भी उनका आकलन है, लेकिन ये पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा भारत जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि आतंकी फैक्ट्री कहां पर है और जुल्म और शोषण की तस्वीरें कहां से आती है।